पिथमपुर नगर के सेक्टर 3 औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सैंपलेक्स कंपनी में एक श्रमिक की गुरुवार शाम को दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों द्वारा शुक्रवार दोपहर को कंपनी के गेट के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया गया। मामले को संभालते हुए थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को समझाइश दी। जानकारी के अनुसार नगर के सेक्टर नंबर 3 स्थित सैंपलेक्स मेटल में श्रमिक करण पिता महाल सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी बालीपुर मनावर की दुर्घटना में मौत हो गई। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन परिजनों ने मृतक के शव को कंपनी के गेट के सामने रखकर प्रदर्शन किया। मृतक का अंतिम संस्कार ना करके मृतक का शव कंपनी के गेट के सामने ही रख दिया गया। इसके बाद से स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला। थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी भी मौके पर पहुंचे और कई घंटों तक वह कंपनी परिसर में बैठे रहे। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाइश दी। इसके बाद कंपनी प्रबंधक ने मृतक के परिजनों को 8.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। इसके बाद मामला शांत हुआ। पिथमपुर से फुल टावर की रिपोर्ट। गाड़ी ने मैंने गाड़ी भेजी थी उसी समय उसको उसी समय उसकी डेट हो गई थी। मैं तो वहीं था ना सर। मेरी बात सुनो क्या, मेरी बात सुनो। डेट हो गई थी उसके बाद में यहां से अस्पताल के कंपनी में डेट हो जाती है और परिवार आपसे मांग करता है कि हमारी भरण पोषण के लिए हमारी सहायता के लिए। मेरी बात तो सुन लो, भरण पोषण के लिए अब उनका तो कोई रहा नहीं ना, एक ही सहारा था वो तो खत्म हो गया। वो आपसे भरण पोषण की मांग कर रहा है। आप मेरी बात तो सुन लो, आप क्लियर मना कि मेरे से नहीं हो पाए ठीक है, लेकिन लेकिन हाँ मेरी बात पहले पूरी बात तो सुन लो। और वहीं पे दूसरी तरफ जब लड़का नया लड़का था काम पे लगा, आपने उसको सीधे मशीन पे लगा दिया, उसको मशीन का कुछ नॉलेज था? आप लीगल जवाब दो, उसको नॉलेज था। खबरें तो देश से बहुत आती है, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।